हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग? सर ये देख रहे हो मेरे सामने आप KTM की RC 200 का मोटो GP एडिशन, और यहाँ पे जो है क्या मिलता है आपको वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले की है ये आपके सामने, एंड ये जो वेरिएंट है ये लेटेस्ट वेरिएंट है जो अपना OBD2 वाला है ना वो, और यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी नई चीज़ें अपने को मिलती है इस वेरिएंट में। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे आगे देखो स्टिकर्स हैं, यहाँ पे भी स्टिकर्स हैं, ऊपर से मैट और मेटेलिक का पूरा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते की से, वेव की है, की को जो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने की इंसर्ट की, यहाँ पे गाइस आपको दिखा होगा, सबसे पहले तो फ्रंट में जो है विंडशील्ड आपको ये पूरी ब्लैक मिलती है, उसके बाद यहाँ पे जो DRLs मिल जाएगी साइड में, एंड जो लाइट है पूरी वो भी अपनी LED में है। तो यहाँ पे पूरी LED लाइट्स आपको इसमें मिलती है। थोड़ा सा मैं नीचे आऊँ तो भाई यहाँ पे WP के सस्पेंशन मिल जाते हैं, बड़ा सा डिस्क है, ड्यूअल चैनल ABS है, फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर है काफ़ी चौड़ा, बाइब्री कंपनी ब्रेक कैलिपर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स हैं दोनों साइड में। अभी साइड में आते हैं और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको व्यू, तो कुछ ऐसी लगती है भाई ये साइड से, जब आप साइड से देखोगे तो कुछ ऐसी लगेगी। KTM का बड़ा सा ग्राफिक्स है मैट में, नीचे जो ग्राफिक्स है रेडी टू रेस के, RC 200 की यहाँ पे स्टिकरिंग है, ये जो पूरा मैट है ये मेटेलिक है, पीछे फिर से मैट है, और टैंक भी आधा मैट आधा मेटेलिक ऐसे है। 200 CC का इंजन है, माइलेज देता है 30 से 35 की, पावर इसकी 25 BHP के अराउंड एंड 18 Nm के अराउंड जो है टॉर्क है, वही RS 200 वाला इंजन है बट थोड़ा सा ज़्यादा ट्यून्ड है, और उसकी जो माइलेज या फिर सॉरी जो पावर है वो ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो है ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको दे सकती है। अंडर वैली एग्जॉस्ट है, फ्रंट फुटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है, रियर ब्रेकिंग है, ये रियर फुटरेस्ट है, एडजस्टेबल जो है पीछे सस्पेंशन दिया गया है, रेस कंपटीशन की यहाँ पे स्टिकरिंग है, स्प्लिट सीट है, सॉफ्ट सीट है, स्प्लिट ग्रैब रेल है, यहाँ पे LED टेल लाइट है, यहाँ जो है 200 रेडी टू रेस लिखा हुआ है, तो काफ़ी कुछ जो है नए नए स्टिकर्स हमें देखने मिल जाते हैं। पीछे है 150 सेक्शन का टायर, बड़ा सा डिस्क है, अगेन जो है ABS है टायर हगर यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे LED लाइट दी गई नंबर प्लेट के लिए, LED इंडिकेटर्स वगैरह है इसके अंदर, काफ़ी कुछ है दिखाऊंगा आपको अच्छे से। साइड में जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है एक साइड गार्ड, साइड से कट ऑफ फीचर मिलता है, क्विक शिफ्टर जो है यहाँ पे नहीं है, ये मेटेलिक पार्ट है, मैट पार्ट है। अभी जो है मीटर में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है अभी देखो आप, ये पासिंग लाइट है इसकी, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, सिंगल हॉर्न, ये इग्निशन का बटन है, और यहाँ से जो आप स्टार्ट कर पाओगे नीचे से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आप मीटर, ये RPM मीटर है, बीच में स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, ओडोमीटर, सारी वार्निंग्स, फ्यूल मीटर, टेम्परेचर मीटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ऊपर टाइमिंग मीटर है, बाकी सारे इंडिकेटर है, यहाँ पे माइलेज वगैरह रेंज वगैरह ये सब भी जो इसके अंदर दिखा देता है, तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। क्लिप ऑन हैंडल बार है, मिरर जो एडजस्टेबल है। सोरल जो है बाइक काफ़ी बढ़िया है, इसकी जो प्राइस है वो जो है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा, जो भी इसकी प्राइस हो आप लोग देख लेना, सो स्क्रीन पे इसकी ऑन रोड प्राइस आ रही है आप लोग देख लो। भाई गाइस ये था कुछ आज की वीडियो में, जो नई KTM RC 200 आई है वो आपके सामने है, और ये है इसका MotoGP एडिशन जो कि आपको शोरूम से मिल जाएगा इजीली, कुछ ही वेटिंग पे, लाइक कुछ ही दिनों की वेटिंग पे। तो आप लोग मेरे को बताओ आप लोगों को कैसी लगी है KTM की RC 200 का MotoGP एडिशन। तो चलिए यार ये था कुछ आज की वीडियो में, मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक और चीज़ देख लो, यहाँ पे इंडिकेटर है वो भी LED में दिए गए हैं। तो चलो यार मिलते भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।